नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 5 अप्रैल। चल जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में आए विदेशी लोगों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार के बाहर से आए सभी विदेशी लोगों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया बीते शनिवार से शुरू हो गई है। ये खासकर वो लोग हैं जो दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों से आए हुए हैं। वहीं बिहार में 3200 से ज्यादा स्कूलों में लगभग 26,000 मजदूरों को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं अब उन लोगों के भोजन और आवासन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत बिहार लौटे 1,80,000 लोगों की फिर से स्क्रीनिंग होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना की इस परीक्षा में पटना में तैयार हुए भारतीय रेलवे के आइसोलेशन कोच। कोरोना की इस परीक्षा में पास होने के लिए भारतीय रेलवे में आइसोलेशन कोच तैयार किया गया है। यह रेलवे कोच ईस्ट सेंट्रल रेलवे क्षेत्र से पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सेवा देने के लिए तैयार हो गया है। खबरों की माने तो तैयार किए गए इस कोच में 3 लाख से ऊपर लोगों के भर्ती होने की क्षमता है। वहीं रेलवे की इस उपलब्धि को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे को 266 कोच तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के राज्यकर्मियों के वेतन पेंशन पहले की तरह ही मिलेंगे। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बंद के दौरान परिस्थितियों को भी देखते हुए यह साफ कहा है कि बिहार राज्यकर्मियों के वेतन और पेंशन पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में राज्य सरकार को 50,000 करोड़ कम मिले थे, मगर इसके बावजूद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभी आम नागरिकों से आर्थिक तौर पर मदद करने का आश्वासन दिया है। कोरोना के कारण बिहार में विधान परिषद चुनाव को किया गया स्थगित। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार में विधान परिषद चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने ही दी है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी साफ कहा है कि संविधान की धारा 324 का इस्तेमाल करते हुए बिहार में होने वाले शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों के विधान परिषद सीटों का चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं नई तकनीक के बारे में चुनाव आयोग ने बताते हुए कहा कि इस चुनाव की तारीख के लिए चुनाव आयोग शेड्यूल जारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुल 4 सीटों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 4 सीटों के अलावा 27 अन्य सीटें भी हैं जिस पर चुनाव होने थे। मोदी सरकार ने बिहार को दी 708 करोड़ की राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जारी कोरोना को देखते हुए 708 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SDRF के तहत बिहार को यह राशि दी है। हालांकि पहले यह राशि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मिलती थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को यह राशि पहले ही जारी कर दी। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम बिहार के लिए काफी राहत की खबर है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। कोरोना की इस परिस्थिति में जहां पर सरकार समेत कई अहम लोग लगातार कोरोना से लोगों को बचाने में लगे हुए, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी चरम पर है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए यह कहा है कि देश में सबसे कम स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण बिहार को ही क्यों मिल रहे हैं। हमसे कहीं अधिक छोटे प्रदेश में जहां पर कोरोना का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं है, उन प्रदेशों को बिहार से अधिक संख्या में सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं। क्या आपकी डबल इंजन वाली सरकार बिहार को यही सिला और यही फल मिलने वाला है? बिहार सरकार ने मालवाहक वाहनों पर लगी रोक को लिया वापस। बिहार सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मालवाहक वाहनों पर लगी रोक को हटा दिया है। बंद के दौरान अब तक सिर्फ खाद्य सामग्रियों की गाड़ियों को ही आने जाने की इजाजत दी जाती थी, लेकिन परेशानी और मार्केट में आपूर्ति की हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सभी मालवाहक वाहनों पर लगी रोक को हटा दिया गया है, जिसकी जानकारी खाद्य आपूर्ति सचिव पंकज पाल ने दी है। वहीं इस बाबत सभी जिलों के DM को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। बंद के दौरान किसानों के खाते में जाएंगे 2,000 रुपए। बिहार के सभी किसानों के लिए खुशखबरी। कोरोना के कारण सरकार द्वारा बंदी के ऐलान के बाद से किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने सभी किसानों के खाते में 2,000 की राशि भेजने का ऐलान जारी किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत 58,60,959 लाख की फंड ट्रांसफर ऑर्डर केंद्र सरकार को भेज दी है, जिसमें से 59 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय नवोदय विद्यालय में OBC छात्रों को होगा फायदा। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। जल्द ही दोनों विद्यालयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नई नीति तैयार की है, जिसके तहत OBC के छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि OBC कैटेगरी के छात्रों को 27% सीट मुहैया करवाने का आदेश जारी किया गया है। नए सत्र 2020 में इस नई नीति को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय नियमित प्रवेश प्रक्रिया के बाद SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी अतिरिक्त सीटें बनाई जाएंगी। 6 अप्रैल के बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज। पटना सहित बिहार के सभी जिलों में 6 अप्रैल के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग की माने तो दिन में तेज धूप होगी, इसके बावजूद भी आसमान में हल्के बादल छाने के आसार है। इतना ही नहीं, कहीं पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो तेज धूप के साथ साथ कई जगहों पर 7 अप्रैल को हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, जिसके बाद से मौसम में बदलाव के आसार एक बार फिर से जाग गए हैं।
कोरोना का पॉजिटिव मामले के सामने आने के बाद बिहार के इस गांव को पूरी तरीके से कर दिया गया बंद। बिहार के सारण यानी छपरा के शाहपुर प्रखंड के एक गांव को प्रशासन ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। खबरों की माने तो इस गांव में हाल ही में कोरोना के पॉजिटिव मामले के सामने आने की बात आई थी। कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति है वो हाल ही में इंग्लैंड से वापस अपने गाँव लौटा था। विदेश से आने वाले लोगों की जाँच में लगे प्रशासन ने जब उसकी जाँच कराई तो वह कोरोना से पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। सिर्फ गाँव ही नहीं, गाँव से 7 किलोमीटर दूर तक पूरी आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मुंगेर के व्यक्ति से प्रभावित हुई महिला ने पास की कोरोना की परीक्षा। मुंगेर जिले के एक व्यक्ति से लगभग 13 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से एक महिला अब कोरोना की इस परीक्षा को पास कर चुकी है। खबरों की माने तो यह महिला उसी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी जहां पर मुंगेर के उस व्यक्ति को लाया गया था, जिसके बाद वह उस व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी। वहीं अब उनके इलाज के बाद वह बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक हो गई है। सिर्फ यही नहीं, खबरों की माने तो सिवान जिले के 4 लोग भी कोरोना की परीक्षा को पास कर चुके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधार लिंक पर राशन कार्ड धारियों को शीघ्र सामान देने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कोरोना के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करते हुए मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने निर्देश जारी करते हुए सभी राशन कार्ड धारकों को 1-1 हज़ार की राशि मुहैया करवाने की अपील की है। इतना ही नहीं, सरकार ने जिन राशन कार्ड धारियों का आधार लिंक से नहीं हो पाया है उनकी लिंकिंग शीघ्र अतिशीघ्र कराने की अपील की है। कोरोना की इस परिस्थिति में मदद के लिए मैदान में उतरे प्रशांत किशोर। कोरोना की इस परिस्थिति में जहां सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं अब लोगों की मदद के लिए प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर आए हैं, जिसके तहत प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खाना पहुंचाने के लिए सबकी रसोई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों के एक बड़े तबके को बंद के दौरान रोजाना भोजन मुहैया करवाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से होगी। वहीं इस कार्यक्रम का लक्ष्य 20 से 25 शहरों में कम से कम 15 लाख भोजन के पैकेट पहुँचाने का होगा। डिविजनल कमिश्नर ने सभी प्राइवेट स्कूलों को जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए जहां सरकार ने 14 अप्रैल तक पूरे देश को बंद करने का ऐलान जारी किया था, वहीं अब सरकार लोगों की परेशानी को कम करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, बंद के दौरान छात्रों का समय भी काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा था। इसको देखते हुए डिविजनल कमिश्नर संजय अग्रवाल ने सभी प्राइवेट स्कूल को अधिसूचना जारी करते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाने की पहल तेज की है। बंद के दौरान बिहार को मिस कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बंद के दौरान अपने घर वालों को और बिहार को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभी अपने घर पे होता तो माँ बाबूजी के साथ होता तो क्या बात होती। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भविष्य की चिंता एक चुटकी में दूर हो गई है। बंद में अपने आप को जानने का सबसे अच्छा मौका मिला है। कोरोना ने हमारी दिनचर्या को काफी ज्यादा प्रभावित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अस्पतालों का किया दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हाल ही में सदर अस्पताल का दौरा किया, जहां पहुंचकर उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इतना ही नहीं, कोरोना की स्थिति में आम नागरिकों को निकल रहे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों साथ ही साथ सभी लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए 1 मिनट तक ताली बजाकर अभिवादन भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मौजूदा सभी डॉक्टरों से आने वाले सभी चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचे, सड़कों पर उतरे शिक्षक। फरवरी महीने के वेतन को रोके जाने को लेकर नाराज सभी टीईटी शिक्षक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गए, जहां पर पहुंचकर प्रदेश संयोजक अमित विक्रम और प्रदेश महासचिव उदय शंकर सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में टीईटी माध्यमिक एवं नियोजित शिक्षकों का फरवरी माह का कार्य अवधि का वेतन नहीं दिए जाने की बात कही है, जिसके बाद बिहार सरकार ने जनवरी महीने का वेतन तो जारी कर दिया है, लेकिन फरवरी महीने में किए गए कार्य अवधि के वेतन को लेकर के शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने यह टिप्पणी कर दी कि जो भी शिक्षक सड़कों पर थे उनके पैसे नहीं दिए जाएंगे, जिसके बाद यह सब शिक्षक एक बार फिर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की सरकार से भागलपुर में कोरोना जांच की व्यवस्था करवाने की मांग। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए सरकार से पटना एम्स के साथ साथ गया और भागलपुर में कोरोना जांच की व्यवस्था करवाने की मांग की है, जिसकी जानकारी मंगल पांडे ने खुद सोशल मीडिया से शेयर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि सूबे में RMRI, IGIMS और DMCH दरभंगा में कोरोना की जांच हो रही है। वहीं 1-2 दिन में PMCH में भी सैंपल जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेषज्ञ डॉक्टर से ले राय। कोरोना की संख्या के बढ़ते असर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कोरोना से संबंधित जानकारी ली है, साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ संवाद भी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से कहा है कि आप सबके सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से मदद करने और आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने को तैयार है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों से यह भी कहा है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोरोना की स्थिति में हम जल्द ही बाहर निकल आएंगे।
कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई एडवाइजरी। पूरे भारत में लगातार कोरोना के मामलों में की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना के खिलाफ मिलकर हम सबको खड़ा होना है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कोरोना इस समय में नियंत्रित है, हमें और ज्यादा कोशिश करनी होगी। पटना पुलिस ने बंद का नियम तोड़ने वालों को पहनाया माला। पटना पुलिस ने अब सख्ती से पेश आने के बजाय गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है, जिसके तहत बीते दिन बंद के नियमों का पालन न करने वाले लोगों को पटना पुलिस ने माला पहनाकर सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, पटना पुलिस ने ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है कि कोरोना की अगर इस परीक्षा से पास होना है तो आप सभी को आपके घर में ही रहना होगा, बेवजह बाहर न निकले। बिहार के इन दो एथलीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बातचीत। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश के बड़े खिलाड़ियों से बातचीत की थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरभ गांगुली और विराट कोहली जैसे देश के बड़े खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना की परिस्थिति से निकलने के लिए विचार विमर्श किया है। इतना ही नहीं, बिहार के दो एथलीट्स भी इसमें मौजूद थे, जिसका नाम था शरद कुमार और प्रमोद भगत, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जारी मुहिम के बारे में चर्चा की। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से की बिना राशन कार्ड वाले गरीबों की सहायता की मांग। बिहार में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बीते शाम तक बिहार में कोरोना की कुल मिलाकर लगभग 31 मामले सामने आ चुके थे। वहीं पूरे भारत में यह आंकड़ा लगभग 3000 पहुंच चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जिन भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन और आर्थिक मदद सरकार मुहैया करवाए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बिहार में काम कर रहे प्रवासी और अन्य मजदूरों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने के कारण 1000 नहीं मिलने की बात भी कही है। धोनी के दोस्त ने धोनी से संबंधित खोले कई राज। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर उनके दोस्त ने कई सारे अहम राज खोले हैं, जिसके तहत उनके रांची वाले दोस्त ने कहा है कि माही अभी भी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है, अपना खेल जारी रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अभी बताया कि बंद से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जी जान लगा करके बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, इतनी प्रैक्टिस जितनी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की थी। महेंद्र सिंह धोनी इस बात से वाकिफ है कि अब उनमें पहले जितनी एनर्जी नहीं है, लेकिन अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो मुश्किल ट्रेनिंग भी बहुत करते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम में सुधांशु कुमार, गजेंद्र कुमार, राजेश ठाकुर, प्रीति कुमारी पटेल, समीर आलम, विपिन कुमार यादव, सूर्या सिंह, मंतोष कुमार, शशि भूषण, धर्मेंद्र कुमार, रवि रंजन यादव, अनिल कुमार, कुमुद कुमार, प्रेम सागर, कृष्णा दास। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। सड़कों पर उतरे सभी शिक्षकों के फरवरी महीने तक के वेतन की मांग आपके अनुसार कितनी सही है, कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।